कई लोग बोलते कहते अच्छा सब कुछ भगवान से आ रहा है। भगवान किससे आ रहे हैं? सब कुछ भगवान ने बनाया है तो भगवान को किसने बनाया? तो अक्सर ये बात आती है कहते भाई सब कुछ अगर बनाया तो भाई राइट तो भगवान को भी तो किसने बनाया होगा ना। अल्टीमेटली जिस हर चीज का कारण होता है ठीक है जी, निमित्त और उपादान, निमित्त उपादान, लेकिन जो उपादान है वो यू ही निमित्त है किसी का, उपादान निमित्त उपादान निमित्त उपादान निमित्त उपादान, कॉज इफेक्ट कॉज इफेक्ट कॉज इफेक्ट कॉज इफेक्ट, ये रिग्रेशन करते 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 जहां रुक जाता है ना उसको बोलते हैं भगवान। नहीं तो अदरवाइज ये इनफाइनाइट रिग्रेशन ही है, चले जाओ उसका कॉज फिर उसका कॉज फिर उसका कॉज फिर उसका कॉज, सर कहीं तो रुकेगा? हाँ रुक रहा है सर, रुक रहा है 10 किलोमीटर के बाद रुक रहा है, बस वही भगवान। सो कहीं तो रुकेगा? ऐसी होता क्या है, भगवान के बारे में सवाल उठाने से पहले भगवान की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। जिस व्यक्ति को भगवान की डेफिनेशन क्लियर नहीं है ना, वो भगवान के बारे में सवाल पूछना भी बेतुका होगा उसका। जैसे मान लीजिए को पूछे इस सर्कल सर्कुलर इन नेचर, एक मिनट से क्या सवाल पूछा आपने, इज सर्कल सर्कुलर इन नेचर, ये तो बड़ा अजीब गरीब सवाल है। सर आपको ये पता सर्कुलर क्या होता है? कहता है नहीं, हमारे ऑफिस में कई बार सर्कुलर आया करता था, हमारे स्कूलों ने कई बार सर्कुलर जारी किया है। कहते सर आपको सर्कुलर नहीं पता? कहते नहीं हमें नहीं पता। कहते तो फिर भाई तू सर्कल के बारे में सवाल कैसे पूछेगा भाई। उसी तरह से अगर किसी को भगवान की डेफिनेशन ही नहीं पता तो ऐसा व्यक्ति सवाल पूछे अच्छा ही इज कॉज ऑफ ऑल कॉजेस, तो फिर उनको किसने बनाया, उनको किसने बनाया, कहाँ है भगवान का, अगर भगवान है तो भगवान कहाँ है। ये तो बिल्कुल वैसे ही होगा कि मान लो कोई किताब पढ़े, जैसे कोई बच्चा का नॉवल पढ़े, नॉवल पढ़ा नॉवल अच्छा लगा, कहता हाँ नॉवल तो बहुत अच्छा है लेकिन ना नॉवल में ऑथर कहाँ है, इसमें लैला भी है मजनू भी है उसके पिताजी भी है विलन भी है ढूंढड़ाका सब हो गया, कहते लेकिन इसमें इस नॉवल में ऑथर कहाँ है, कहता ऑथर ना इसके बाहर है, कहता इसका मतलब ऑथर एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये क्या बात हुई? अब यहां इस जगत के अंदर टाइम स्पेस का जो मैट्रिक्स है ये भगवान ने बनाया है। आप टाइम और स्पेस के मैट्रिक्स को हम पढ़ें और कहें अच्छा लेकिन भगवान का है इसके अंदर, भगवान इस सबके परे हैं। जिस तरह से जो ऑथर है नॉवल का वो नॉवल के बाहर एग्जिस्ट करता है, उसी प्रकार से टाइम और स्पेस का जो मैट्रिक्स है, ये जो मैटर का जो मैट्रिक्स है, भगवान इसके परे हैं। इसीलिए तो इसलिए भगवान की डिपिक्शन करने से पहले बहुत जरूरी है भगवान की डेफिनेशन को क्लियर करना। भगवान की डेफिनेशन अगर क्लियर होगी फिर उनका डिपिक्शन जो है उससे हम कनेक्ट कर पाते हैं, और जब डिपिक्शन से कनेक्ट कर पाएंगे तो डिपिक्शन के बाद फिर आएगा अट्रैक्शन। सो फॉर फर्स्ट कम्स डेफिनेशन, देन कम्स डिपिक्शन, देन कम्स अट्रैक्शन, फिर भगवान की जो सिचुएशन है फिर वो क्लियर हो पाती है। नहीं तो हमेशा ये कंफ्यूजन है कि भगवान को किसने बनाया। जब मॉडर्न साइंस ही मानती है अर्लियर देयर वाज सिंगल सिंगुलैरिटी, इट वाज infinite pressure, infinite temperature, infinite density, and then there was an explosion. And after the explosion, and then everything came into existence. Yeah. Actually, ऐसी चीज से सृष्टि आई है इसके लिए ज़्यादा श्रद्धा चाहिए। सब कुछ भगवान से आ रहा है इसके लिए कम श्रद्धा चाहिए एक्चुअली, पर एक ऐसी चीज है जो सिंगुलैरिटी वाली है उससे सब कुछ है इसके लिए बहुत श्रद्धा चाहिए। कहते हैं यार अच्छा वहाँ से आया सब कुछ भाई, बम फट के आया है? कहते हैं हाँ। कहते सुतली में आग किसने लगाई थी? कहते हैं पता नहीं भाई। कहते और RDX किसने सप्लाई किया था? कहते हैं वही पता नहीं भाई, लेकिन फटा तो है भाई, बम फटा तो है, बम फटके हुआ है सब कुछ भाई। जैसे हम लोग बचपन में दिवाली खेलते थे ना, दिवाली में क्या करते, दिवाली में बम फोड़ देते थे। मैं अपनी माँ से पतीला मांग रहा था, माँ पतीला दे दे, पतीले के अंदर डालेंगे वो सुतली बम, उसके बाद ऊपर खड़े हो जाएंगे पतीले के धूम, और ऐसा 10-12 फोड़ने के बाद वो पतीला थाली बन जाया करता था। कहता है लो जी मिशन अकॉम्प्लिश, क्योंकि बच्चे को भी अकल होती है, बम फूट गया भाई नष्ट होता है सब कुछ, सृष्टि नहीं होती। लेकिन ऐसे कोई मूर्खानंद साइंटिस्ट होते हैं, सारे मूर्खा नहीं, कुछ ऐसे मूर्खानंद होते हैं साइंटिस्ट जो कि मानते हैं ना बम फूट करके, तेरा घर कैसे बना, कहते हैं बम फूट के हमने बनाया है बिल्कुल। तो इसलिए भगवान को ना समझना ही बहुत जरूरी है। अल्टीमेटली ही इज अ कॉज ऑफ ऑल कॉजेस, चाहे स्पिरिचुअल हो या मटेरियल हो, अवतार हो, एवरीथिंग इज कमिंग फ्रॉम कृष्णा। जैसे दुनिया के अंदर ना दो तरह के रिलीजन हैं, एक तो बोलते हैं पॉलीथियस्टिक होते हैं, एक होते हैं मोनोथियस्टिक, और यूजली ग्रीक कल्चर माना जाता है ग्रीक कल्चर इज पॉलीथियस्टिक, हिंदू कल्चर पॉलीथियस्टिक, कई सारे भगवान हैं इनके अंदर, और क्रिश्चियनिटी इट इज मोनोथियस्टिक वन गॉड, इस्लाम मोनोथियस्टिक वन गॉड,
सो इज गॉड ओनली मोनोथिस्टिक और ओनली पॉलीथिस्टिक? लेकिन अब भगवान के अवतार हैं एक्चुअली बहुत सारे. तो भगवान वैसे तो एक है, एकला ईश्वर कृष्ण आर सवभृत्य, बट ही हैज आल्सो गॉट इनकार्नेशंस. उनके बहुत सारे अवतार हैं भगवान के. और क्योंकि भगवान के बहुत सारे अवतार हैं तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं भगवान कैसे हैं, ही इज पॉलीमॉर्फिक मोनोथिस्टिक. सनातन धर्म कैसा है? इट इज पॉलीमॉर्फिक मोनोथिस्टिक, दैट इज द आइडेंटिटी ऑफ गॉड. लेकिन इसमें देवी देवता भी आते हैं, मुख्य देवी देवता भी आते हैं, सेकेंडरी देवी देवता भी आते हैं, तो उसमें भी लेवल्स हैं. पर ये भी किससे आ रहे हैं? ये भी भगवान से आ रहे हैं. सो वी कैन से मल्टी लेवल पॉलीमॉर्फिक मोनोथिस्टिक रिलीजन इज सनातन धर्म. लेकिन कोई कैसे लिखे, इसमें शक्ति भी तो आती है, राधा कृष्ण, राइट, श्रीमती राधा रानी, उनका स्थान कहां है? कहते हैं बिल्कुल शक्ति भी है, शक्ति और शक्तिमान हमेशा साथ होते हैं. सो आवर सनातन धर्म इज एक्चुअली विच इज कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ गॉड इज दैट इट इज मल्टी लेवल पॉलीमॉर्फिक बाई मोनोथियस्टिक. दैट्स द डेफिनेशन ऑफ गॉड. तो गॉड इज नॉट जस्ट मोनोथियस्टिक और से पॉलीथिस्टिक. रिलीजन कैन नॉट बी जस्ट मोनोथिस्टिक और पॉलीथिस्टिक. दिस इज द कंप्लीट डेफिनेशन, मल्टी लेवल पॉलीमॉर्फिक बाई मोनोथिस्टिक, दैट इज द कंप्लीट आइडेंटिटी ऑफ गॉड. फिर समझ आएगा, ओ अब समझ में आया मुझको, बहुत बड़ा है ये संसार, बहुत बड़ा है ये संसार. हाँ जी, पर उसके लिए समझना पड़ेगा हु इज द कॉज ऑफ ऑल कॉजेस. तो इसलिए भगवान जो है सब सृष्टि में जो कुछ भी है उसके आदि स्वयं भगवान ही है.